हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में एक वियर सी चीज़ ट्राई करने वाली हूं, जो कि टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ ही चुका होगा। और मैं करने वाली हूं नेल्स पे अप्लाई मेहंदी, इंस्टेंट मेहंदी, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। वैसे मैं नेल्स पे कभी कुछ लगाती नहीं हूँ, रेयरली, मतलब कभी शादी वगैरह में जाना होता है तब जाके, ठीक है। तो देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, स्प्रेड नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्प्रेड होती भी नहीं है ये मेहंदी, डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ। और ये लगाने के बाद इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था ना कि मेरा बस पहला रिएक्शन यही था कि छी मैं क्या कर रही हूँ ये। तो यहाँ पर मैं पूरे नेल्स पर अप्लाई करके आपको मिलती हूँ। मैंने लगा लिया और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा सा ये लग रहा था। तो अब देखते हैं कि सूखने के बाद इसका कैसा कलर आता है। तो 10-15 मिनट वेट करने के बाद ये अच्छे से सूख गया था। और अब बात आती है इसको पील ऑफ करने की, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर कैसा हो गया, मरून, और मेरे हाथ इतने ज़्यादा गंदे लग रहे थे ना, ठीक है। तो अब इसको पील ऑफ करते हैं। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। तो यहाँ पर पील ऑफ तो काफ़ी अच्छे से हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था और कलर भी ठीक ठाक ही था, हालांकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कोई और कलर भी मैं ले सकती थी, मेरे पास है कलरफुल कोन, बट यही उस टाइम पे मेरे हाथ पे है। तो उसको अप्लाई कर दिया, पील ऑफ कर लिया है, और ये कुछ इस टाइप का इसका कलर है। सो ऑरेंज जैसा इसका कुछ कलर हो गया था। देन मैंने इसको साफ़ किया और ये पूरा का पूरा निकल गया, बस उतने में ही ये पूरा निकल गया। सो कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।